अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू एआर सॉल्यूशन। माय नेम इज़ फैसल रहमान एंड प्रिंसिपल ऑफ अल रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस मॉडल टाउन डस्का। दोस्तों, आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 के एक बड़े आम टैब मेलिंग के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, मेलिंग जो होता है, वैसे इसको मेल करना या मैसेज करना कहते हैं, और ईमेल जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक मेल या इलेक्ट्रॉनिक मैसेज है। तो ये बेसिकली बना हुआ है कि अगर आपने कोई लेटर या खत भेजना है किसी को, तो उसके लिए होता है। इसमें जब भी आप किसी को लेटर या खत भेजते हैं, तो उसके लिए एनवेलप यूज़ करते हैं और ऊपर लेबल यूज़ होता है। एनवेलप में आप डिलीवरी एड्रेस वगैरह लिख लेते हैं, और अंदर कोई पेज होता है सिंपल सा, इसके अंदर लेटर लिखा होता है। अब बाज़ का होता है कि अगर आपने एक ही लेटर या एक ही एप्लीकेशन को बार बार अपने एम्प्लॉयज़ को या स्टूडेंट्स को वो सेंड करना है या लिखना पड़ता है, तो वो टाइम ज़ाया होगा। मेलिंग के थ्रू आप आसानी से 50, 100, 1000 जितने मर्जी बंदों का डेटाबेस बना के इकट्ठा ही वही सेम लेटर में अपनी फील्ड मैनेज करके ऐड कर सकते हैं। तो ये बड़े काम की चीज़ है। इस पर सबसे पहले आ जाएगा एनवेलप। तो एनवेलप में डिलीवरी एड्रेस, यानी कि जिसको आपने जो भी लेटर सेंड करना है, तो उसका डिलीवरी एड्रेस लिख लें। जैसे इधर लिख लेता हूँ, टू फैसल रहमान मॉडल टाउन डस्का, ठीक है। उसके बाद ये मैंने दिया नेशनल मैक मॉडल टाउन। इधर अगर इदारे का नाम लिख लें, जैसे कि मैं लिख लेता हूँ अल रहमान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर साइंस डस्का, ठीक है। अब मैं ऐड टू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा और यस करूँगा इसको। ये देखिए, वैसे ही डेवलप की शक्ल में ये बन के आ गया। तो दोस्तों, इस तरह आप इसकी आप होम पे जाके फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह आप डिलीवरी एड्रेस के लिए बना सकते हैं डेवलप वगैरह। नेक्स्ट ऑप्शन है लेबल। तो दोस्तों, बाज़ का तो आप देखते हो कि आपको रेगुलर लेटर आता है, तो कोई भी आपको आपके डॉक्यूमेंट आते रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, लेबल बना लेते हैं आपके नाम के। तो वो बार बार उनको लिखना नहीं पड़ता, स्कूल से वो चिपका देते हैं। तो वो लेबल पे कैसे, जैसे कि मैं इधर लिख लेता हूँ फैसल रहमान मॉडल टाउन डस्का। तो अब इसके मैं फर्ज करे ऑप्शन में जाके इसके 20 पेज बना देता हूँ, तो ये 30 पेज बना सकता हूँ, बनाना चाहता हूँ एक ही लेटर में, तो मैं बना सकता हूँ। इसको सेलेक्ट करके यहाँ से पे न्यू लेबल्स, ठीक हो गया। इसको मैं ओके करूँगा, ओके करके यहाँ न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करूँगा, तो ये देखे दोस्तों 30 लेबल बन गए हैं। तो इसको मैं यहाँ से उतार के या जैसे भी लगाना है वो लेबल मैं यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, फिलहाल इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट है स्टार्ट मेल मैनेज। यहाँ से मैं लेटर, एक ही फ़र्ज़ करे अथॉरिटी लेटर है कोई, या कोई फ़र्ज़ करे एप्लीकेशन है, या कोई फ़र्ज़ करे मेडिकल लीव है, कुछ भी एक दफ़ा लिखने से मुझे इसमें नाम चेंज करूँ, टाइम ज़्यादा हो, तो उसके लिए यहाँ से लेटर ले सकता हूँ। ईमेल मैसेज को ले सकता हूँ। इनवेल्प लेवल का मैंने आपको बता दिया। अगर इन्हीं स्टेप को आपने स्टेप बाई स्टेप करना है, तो यहाँ से भी कर सकते हैं, बेहतर ये है कि आप इधर से ही करें, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है सेलेक्ट सिप लिस्ट। मैं कोई भी लेटर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं एक लेटर ऑलरेडी बनाया हुआ है, क्या ताकि टाइम ज़्यादा ना हो। ये एक अथॉरिटी लेटर है, तो उसमें मैं मतलब स्टूडेंट, कोई भी स्टूडेंट है, तो वो फ़र्ज़ करे अपना अकाउंट वगैरह खुलवाना चाहता है, या उसको किसी भी यानी कि जगह इस अथॉरिटी लेटर की ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे बजाय सारा टाइप करने के जस्ट उसका डेटाबेस में एंटर करूँ, तो उसका नाम ये वो उसके नाम का लेटर इशू हो जाए। तो ये बड़ा आसान है दोस्तों। तो अगर मैं यही लेटर आप 20-25 या जितने भी स्टूडेंट है सबका बनाना चाहता हूँ, तो बड़ी ईजिली बना सकता हूँ मैं। तो कैसे बनाना है, देखे मेलिंग में जाना है, सेलेक्ट रिसिप्ट में जाना है। इसमें तीन ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है टाइप ए न्यू लिस्ट,
अगर नई लिस्ट टाइप कर दी है तो उसके लिए दूसरा यूज एड एग्जिस्टिंग लिस्ट, अगर पहले से कोई मौजूद है एक्सेल की वर्ल्ड की एक्सेस का कोई डाटाबेस तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ डाटाबेस। दूसरा चूज फ्रॉम आउटलुक कंटेंट कंटेंट, अगर आउटलुक से मैं कोई ईमेल वगैरह या कुछ भी लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ, चूज कर सकता हूँ। तो मैं सबसे पहले ऑप्शन पे जाऊँगा टाइप ए न्यू लिस्ट पे। अब ये देखिए दोस्तों इसमें तो काफ़ी फील्ड्स है, तो अगर आप चाहते हो अपने अकॉर्डिंग फील्ड जो जो जिन जिन फील्ड की ज़रूरत है वो बढ़ा सकते हैं आप। अब फर्ज करें इनमें काफ़ी फील्ड है, इनको आप रीनेम भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। तो इनमें फिलहाल मैं ये जो फील्ड है ये मुझे नहीं चाहिए, तो इनको मैं डिलीट कर लेता। ये मैं ऐड को रीनेम कर लेता, तो पहले मुझे चाहिए स्टूडेंट नेम, ओके हो गया। नेक्स्ट चाहिए फादर नेम, इसको रीनेम यहाँ से कर लूँ, सॉरी, फिर फादर नेम, ओके। नेक्स्ट फील्ड कोर्स, ओके। नेक्स्ट फील्ड रोल नंबर, ये मैंने चार फील्ड बना लिए हैं, इनको कर दूंगा ओके। अब जितने बंदों को मैं अथॉरिटी लेटर बनाना चाहता हूँ, जितने स्टूडेंट्स का उनके नाम लिख लेंगे। पहला स्टूडेंट समीर, नेक्स्ट फादर नेम बाबर, कोर्स TIT, रोल नंबर कुछ भी लिख, ठीक है। नेक्स्ट मोहम्मद अली, अबू का नाम मोहम्मद आसिफ, कोर्स का नाम CCA, सॉरी, और रोल नंबर कुछ भी लिख तो फर्जी। उसके बाद अलीशा खालिद, फर्जी लिख रहा हूँ, कोर्स PGD, रोल नंबर कुछ भी लिख लेता हूँ, ठीक है। ये रोल नंबर सेव है, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ कुछ भी, ठीक है। ये मैंने फर्जी तीन बंदों का डाटाबेस एंटर कर लिया, इसको मैं कर देता हूँ ओके, ठीक है। अब थोड़ी ये लोडिंग लेगा, अब इसको सेव करना पड़ेगा, लोडिंग ले रहा है, अब इसको मैं सेव कर देता हूँ यहाँ से AR डेटाबेस, ठीक है। आप अपनी जगह जहाँ डॉक्यूमेंट में इसको सेव कर सकते हैं, जहाँ मर्जी कर ले सेव, ये सेव हो गया। अब एडिट रिसीव लिस्ट, यानी कि इसमें ये देखिए चेक और अनचेक का बटन है, किसी भी स्टूडेंट का डाटा नहीं मैं शो करना चाहता तो उसको यहाँ से हाइड और शो कर सकता हूँ या एडिटिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जो लेटर है इसमें फील्ड जो जो हमने रिक्वायर है वो हम ऐड करेंगे, जहाँ अब ये मिस्टर के आगे स्टूडेंट का नाम आएगा, इधर ये मर्ज फील्ड में ये देखें स्टूडेंट नेम आ गया, ये ऐड हो गया इसके अंदर। अगर सन ऑफ के आगे फादर नेम आएगा तो यहाँ से फादर नेम ये देखें मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आगे क्लास आएगी तो क्लास में मैं ये देखें यहाँ से, सॉरी, कोर्स आएगा, कोर्स ऐड कर लिया। रोल नंबर के आगे मैं कर्सर ले जाता हूँ, रोल नंबर के आगे आ जाएगा यह हमारे फील्ड में रोल नंबर, ठीक है। इसका मैं प्रीव्यू देखता हूँ, सही आ रहा है जी, बिल्कुल वैसे ही आ रहा है। अब इसमें कुछ फील्ड के दरमियान में थोड़ा सा स्पेस दे लेता हूँ ताकि ये ज़रा देखने में सही लगे, परफेक्ट है बिल्कुल, ठीक हो गया जी। यहाँ से भी कोर्स को भी हम थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, रोल नंबर को भी हम थोड़ा सा स्पेस दे लेते हैं, ले जी। इसका प्रीव्यू देखते हैं, ये देखिए प्रीव्यू सही आ रहा है। अब इसके दरमियान थोड़ा स्पेस दे रहा है ये, वैसे ही हाँ स्पेस दे रहे तो बेहतर है, अब ठीक है बिल्कुल। अब इसका प्रीव्यू देखते हैं, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ जो जो फील्ड मैंने ऐड की है उनको ज़रा हाईलाइट कर दूँ, जिस तरह एक डायब है कंट्रोल को दबा के, जस्ट ये नाम, उसके बाद फादर का नेम,
उसके बाद ये देखे कोर्स को भी मैं थोड़ा सा स्पेस दे लूँ ताकि सही नजर आए यार। ठीक है, अब यहाँ से मैं इसको व्यू ऑफ करता हूँ और मैं फील्ड को ना सेलेक्ट करता हूँ थोड़ा थोड़ा ना, ताकि ये सही नजर आए। ठीक है, ये फील्ड जो मैं इनको सेलेक्ट कर रहा हूँ ताकि इनको थोड़ा सा बोल्ड करूँ, ये सही नज़र आया जी। अब मैं होम में जाऊँगा और यहाँ से इनको कर लूँगा बोल्ड। ठीक है, अब इसको मैं शो करता हूँ मेलिंग में जाके। अब ये देखिए इसका प्रीव्यू बिल्कुल परफेक्ट नज़र आ रहा है। अच्छा, अब ये जो है मकसद है, अगर मैंने 50 या 100 बंदों का या 1000 बंदों का डाटा बनाया उसके लिए है। फिलहाल तो मैंने 3 बंदों का किया, तो इनका भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं नेक्स्ट नेक्स्ट पे जाना, यहाँ से मैं नेक्स्ट पे जा सकता हूँ, प्रीवियस पे जाना, प्रीवियस पे जा सकता हूँ। एक फ़र्ज़ करें मैं डायरेक्ट तीसरे बंदे का डाटा चेक करना चाहता हूँ, कर सकता हूँ। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें किसी बच्चे का मुझे नाम याद है तो फाइंड सिप में जाके उस, जैसे कि मैं समीर को चेक करना चाहता हूँ, तो फाइंड नेक्स्ट पे फाइंड क्लिक करूँगा, ये देखिए समीर का डाटा आ गया। अगर फ़र्ज़ करें मैं अलीशा का डाटा चेक करना चाहता हूँ, फाइंड नेक्स्ट करूँगा, ये देखिए अलीशा का डाटा आ गया। तो इस तरह से आप डाटा चेक कर सकते हैं। अब लास्ट पे आ जाते हैं फाइंड, इसकी फिनिश एंड मर्ज में आ जाते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है। पहली ऑप्शन है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट, सेकंड है प्रिंट डॉक्यूमेंट, और तीसरी है सेंडेबल। प्रिंट जो होता है, अगर फ़र्ज़ करें मैं तमाम जितने भी 3 बंदों का मैंने फ़र्ज़ करें डाटा एंटर किया, सबको मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, तो ये ऑल से कर सकता हूँ। करंट जो स्क्रीन के सामने है, और फ्राम जो सिलेक्टिव, यानी कि टोटल 3 है, मैं 1 से लेकर 3 तक चेक कर प्रिंट लेना चाहता हूँ तो ले सकता हूँ। दूसरा एड इंडिविजुअल में, अगर मैं ऐसा प्रिंट बाद में लेना चाहता हूँ, जस्ट इनको मर्ज करके शो करना चाहता हूँ, तो ऑल पे क्लिक करके ओके करूँगा, तो ये मर्ज हो गया। अब ये देखिए सेम लेटर है, ठीक है, और ये देखिए जैसे कि दिस इज सेटिस्फाई मिस्टर समीर साडा बाबर, ये देखिए सेम लेटर, बाकी सेम वही वही लेटर है, सेम लेटर। और स्टूडेंट का नाम भी ये देखिए इधर चेंज हो गया, इसको भी मैं ज़रा सही कर लेता हूँ। ये देखिए मिस्टर मोहम्मद अली साडा मोहम्मद आसिफ, इसी तरह ये देखिए सेम लेटर, जस्ट स्टूडेंट का नाम जो है ना वो चेंज हुआ है। मिस यहाँ ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है, देखिए समझ आ रही है। अलीशा इधर डॉटर ऑफ आ जाएगा, ठीक हो गया। तो ये देखिए इस जस्ट नाम चेंज हुए है, सेम लेटर है। तो इस तरह से आप किसी भी फर्ज करें स्टूडेंट्स है या एम्प्लॉयज़ है, उनका लेटर वगैरह का डेटाबेस बना के उनको प्रिंट ले सकते हैं, या वैसे इनको मर्ज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।